नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दानी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें हमने पहले भाग में पढ़ा था यौगिक परिवर्तन, और उसी यौगिक परिवर्तन का आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, यौगिक परिवर्तन के अंतर्गत कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म अर्थात अभिक्रियाएँ आती हैं। देखिए, इसमें जो बोर्ड पेपर में प्रश्न आएगा ऐसे आएगा कि कैल्शियम एसीटेट से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए, अथवा ऐसे आएगा कि निम्न को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आइए हम आज देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा अंक देकर जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे यौगिक परिवर्तन। यौगिक परिवर्तन। देखिए, यौगिक परिवर्तन में हम पहला जो समीकरण देखेंगे, वह समीकरण है आपका एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन, एथिल एमीन। ये हम देखेंगे कि एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे बनता है। तो देखिए, ये हमारे पास है CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल है। इसमें हम अमोनिया गैस को मिला देंगे। तो ये CH3COOH4, मतलब अमोनियम एसीटेट में बदल जाता है। देखिए, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है और ये क्या है, अमोनिया है। दोनों को मिलाते हैं, मिलाने पर ये किसमें बदलता है, अमोनियम एसीटेट में बदल जाता है। अब अमोनियम एसीटेट को हम गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा, पानी का अणु यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये हमने इतना देख लिया। अब पानी का अणु बाहर जाएगा तो बनेगा CH3CONH2। ये बनेगा, क्या बनेगा, CH3CONH2। तो एक बार यहाँ तक पुनः समझ लेते हैं। आप कहोगे कि एसिटिक अम्ल से हम इस समय पढ़ रहे हैं एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, जिसमें हम एसिटिक अम्ल को लेंगे और इसे अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, अमोनियम एसीटेट को बनाते हैं। अमोनियम एसीटेट को हम अब गर्म करते हैं, और गर्म करने पर जल का अणु बाहर चला जाता है और बनता है आपका CH3CONH2। क्या बनेगा, CH3CONH2 ये प्राप्त होता है। अब इसकी क्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्साइड से कराएंगे। देखिए, यहाँ पे P2O5, ये क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। तो देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका CH3CONH2। इसकी क्रिया हम P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से कराएंगे। साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, इसमें मतलब जब इसकी क्रिया इसे कराएंगे तो पानी का अणु फिर से बाहर चला जाएगा। तो एक बार देखिए, यहाँ पे अमोनियम एसीटेट को गर्म किया गया, पानी बाहर चला गया। अब ये बना आपका एसीटेमाइड। क्या बना, एसीटेमाइड कह सकते हैं आप, अथवा हाँ इसका नाम है एसीटेमाइड। ये बना, इसको हमने P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया कराया तो फिर से जल का अणु बाहर निकल गया। जब जल का अणु यहाँ से बाहर गया तो ये बनाएगा CH3CN। क्या बनाएगा, CH3CN बनाएगा। यहाँ तक हमने समझा। अब इसका मतलब जो ये CH3CN मतलब मेथिल साइनाइड बना हुआ है, इसको हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, या ऐसे आप कह दीजिए इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। जब हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना अणु होगा, दो अणु होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो अणु होगा।
जब क्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा CH3 और CH2, यहाँ तक बना लिया, लेकिन दो हाइड्रोजन भी कम पड़ रहा है, और समीकरण यहाँ पे हमने समीकरण में लिया है दो हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे चार कर देंगे। तो आपने चार कर दिया, दो हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आएगा CH2 बनाएगा और दो बनाएगा NH2। तो ये हमारा पहला समीकरण पूर्ण हुआ, और जो प्रश्न था हमारा एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, ये कंप्लीट हुआ। एक बार पूरे रिएक्शन को हम सही से समझते हैं। देखिए, ये है आपका एसिटिक अम्ल, इसकी क्रिया अमोनिया से हुई, बना लिया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को गर्म किया गया तो पानी बाहर चला गया, जब बाहर चला गया पानी तो बना आपका क्या बना, एसिटेमाइड बना, एसिटेमाइड बना, और एसिटेमाइड की क्रिया फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मतलब P2O5 से कराई गई, तब पानी फिर से बाहर निकला और बना आपका मेथिल साइनाइड। क्या बना, मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड को फिर से हाइड्रोजन के साथ, अब मेथिल साइनाइड को फिर से हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया गया। जब क्रिया कराया गया तो ये किसमें बदल गया, ये बदल गया आपका एथिल एमीन, और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसे ही हमें बनाना था। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। क्या है दूसरा प्रश्न, एसिटिक एसिटिक अम्ल से फार्मिक फार्मिक अम्ल। तो प्रश्न आता है कि एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल को कैसे प्राप्त करोगे। तो आइए हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है। ये हमारे पास है CH3COOH, मतलब एसिटिक अम्ल है। ये क्या है आपका, एसिटिक अम्ल है। इसकी क्रिया हम कराएंगे अमोनिया से, किससे, अमोनिया से कराएंगे। जब इसकी क्रिया अमोनिया से होगी ये बनाएगा CH3COOH4 बनाएगा, ये बना लिया। अब देखिए, इसको हम गर्म करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, ये है एसिटिक अम्ल, ये है अमोनिया। एसिटिक अम्ल और अमोनिया की हम आपस में क्रिया कराते हैं तो बनाता है आपका अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट को हम गर्म करेंगे तो जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। क्या है देखा हमने कि जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब ये बनाएगा CH3CONH2, ये बना लिया। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे ब्रोमीन, किसके साथ, ब्रोमीन और 4KOH इसके साथ हम कराएंगे। इसे हम हाफ मैन ब्रोमाइड, इसे हम हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया भी कहते हैं। अब जब इससे कराएंगे तो ये बनाएगा हमारा CH3 और NH2, ये बना लेगा। क्या बनाएगा, CH3NH2। लेकिन कुछ चीज़ें बाहर जाएंगी, जैसे आपका जाएगा 2H2O, और यहाँ पे जाएगा K2CO3 जाएगा, ये जाएगा, साथ ही साथ 2KBr ये बाहर जाएंगे। पुनः एक बार समझिएगा, ये है आपका एसिटेमाइड। एसिटेमाइड की क्रिया Br2 मतलब ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तब बनता है आपका मेथिलेमीन। क्या बनता है, मेथिलेमीन बनता है। पानी का अणु यहाँ से बाहर जाता है, और क्या बनता है, यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट बाहर जाता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर जाता है। तो हमने यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। अब जो हमारे पास ये बना है CH3NH2, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर यह बना है, अब उसको हम लाएंगे यहाँ पर और इसकी क्रिया हम करा देंगे नाइट्रस अम्ल से। किससे करा देंगे हम इसकी क्रिया, नाइट्रस अम्ल से करा देंगे। देखिए, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होगा HNO2। क्या होगा, HNO2, इससे करा देंगे। जब कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये एल्कोहल में मतलब इसको ये क्रिया करेगा और इसको एल्कोहल में बदल देता है, CH3OH में बदल देता है। जब ये इसको मतलब मेथिलेमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, और मेथिल एल्कोहल इसका नाम है। साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस और जल बाहर चले जाते हैं, नाइट्रोजन गैस और जल का अणु बाहर चला जाता है। तो हमने ये चीज़ देखा। देखिए, यहाँ पर आपको जल स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम
यहाँ पर लिख देते हैं प्लस एच ओ एच, ये बाहर चले गए। अब देखिए ये हमें प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया हम कराएंगे, इसको लाएंगे, ये हमारे पास मिथिल अल्कोहल, इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है, क्रिया कराएंगे और यहाँ से अब क्या होगा, जल का अणु बाहर चला जाएगा, जल का अणु मतलब H2O यहाँ से बाहर जाएंगे तो माइनस HO H हम कर देंगे। अब क्या होगा CS बचेगा आपका HCHO, अब ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको फिर हम ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब ये बनाएगा HCOOH, ये बना लेगा। और यही क्या है आपका, यही है हमारा फार्मिक अम्ल। तो परिभाषा एक बार पुनः आरंभ से देखते हैं, आप कहोगे पहले पद में हमने एस्टिक अम्ल को लिया है, एस्टिक अम्ल को अमोनिया से क्रिया कराई गई, जब इसकी क्रिया अमोनिया से हुई तब ये बनाया अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट को गर्म किया गया, गर्म करने पर जल का अणु बाहर चला गया और बना लिया आपका एसीटामाइड, एसीटामाइड को हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब ये मेथिलेमीन में बदल जाता है। अब मेथिलेमीन को हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे और नाइट्रस अम्ल क्रिया करके मेथिल अल्कोहल तथा नाइट्रोजन गैस साथ ही साथ पानी H2O को मुक्त करता है, मतलब बनाता है। अब हम इसमें से मेथिल अल्कोहल को लेंगे और ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब यहाँ से पानी का अणु बाहर जाता है और फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO बनता है। अब हम फॉर्मेल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब ये हमारा फार्मिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार हम यौगिक परिवर्तन में एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे अगला रिएक्शन, तो अब हम अगला रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और रिएक्शन का नाम है फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। क्या है? फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे प्रश्न आता है, और ऐसे प्रश्न आएगा कि इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्रश्न क्या है आपका, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मिक अम्ल HCOOH, इसकी क्रिया हम कराएंगे OH, हाँ यहाँ पे होगा CA, मतलब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फार्मिक अम्ल है और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो बार OH है इसलिए हम इसको दो बार लिख लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से अब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो ये बनाएगा आपका HCOO ट्वाइस। तो देखिए क्या होगा यहाँ से कि यहाँ से ये दो H निकलेंगे और यहाँ से दो OH निकलेगा, ध्यान देना यहाँ से दो H निकलेंगे, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक OH एक OH, मतलब पानी का दो अणु यहाँ से बाहर जाएगा, पानी का दो अणु यहाँ से बाहर जाएगा। देखिए फिर से सुनिए, ये फार्मिक अम्ल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ से H2 निकलेंगे, यहाँ से दो OH निकलेंगे, तो क्या होगा पानी का दो अणु बन के बाहर चला जाएगा। अब ये बनाएगा आपका कैल्शियम फार्मेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम फार्मेट बनाता है। अब कैल्शियम फार्मेट को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, कैल्शियम फार्मेट को गर्म करेंगे तो CaCO3 बाहर चला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 बाहर चला जाएगा और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनेगा, क्या बनेगा, HCHO यहाँ पर बनेगा, तो HCHO ये बना। एक बार हम फिर से इसे समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, फार्मिक अम्ल और ये भी फार्मिक अम्ल, अर्थात फार्मिक अम्ल के दो गुण को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया, जब क्रिया कराते हैं तो पानी का दो अणु यहाँ से बाहर चला जाता है और बना लेता है ये आपका कैल्शियम फार्मेट। अब हम कैल्शियम फार्मेट को
गर्म करते हैं। अब हम कैल्शियम फार्मेट को गर्म करते हैं तब क्या बाहर निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाता है और ये बनाता है आपका, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा अगला वो बनेगा आपका फार्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा? फार्मेल्डिहाइड बनेगा। तो हमने यहाँ तक देखा, अब क्या होगा फार्मेल्डिहाइड वो जो बना है इस उसका हम कराएंगे HCHO, इसका हम कराएंगे अपचयन। क्या कराएंगे? अपचयन। तो इसका हम हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। जो फार्मेल्डिहाइड यहाँ पर बना हुआ है उसको हम हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, अर्थात हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। तो ये बनाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या बना लेगा? मेथिल अल्कोहल को बनाएगा। अब इसकी क्रिया हम PCl5 से करा देंगे। मेथिल अल्कोहल की क्रिया किससे हम कराएंगे? PCl5 से करा देंगे। अब PCl5 से कराएंगे तो क्या बनाएगा? ये बना लेगा CH3Cl, साथ ही साथ ये हम बनाएगा POCl3 और HCl। लेकिन यहाँ भी हमारे काम का CH3Cl है। क्या है हमारे काम का? CH3Cl है और ये तो अन्य प्रोडक्ट हैं। तो हमने यहाँ तक देखा, अब इसकी क्रिया मतलब जो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको हम लाएंगे यहाँ पर, ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये मेन प्रोडक्ट बनेगा क्रिया करने के बाद। और बाहर क्या क्या निकलेगा? बाहर जो निकलेगा आपका यहाँ पे दिखा सकते हो आप POCl3 और HCl, ये यहाँ से बाहर जाएंगे जो हमने यहाँ पे अभी तक लिखा था। अब इसकी क्रिया KCN से करा देंगे। किससे हम? KCN से करा देंगे। जब इसकी क्रिया KCN से होगी तो आपका KCl बाहर चला जाएगा और KCl बाहर चला जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचेगा? CH3 भाई, CH3 हमारा बचेगा और CN ये बचेगा, CH3 और CN ये बचा। अब देखिए जब CH3CN बचा तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम जल अपघटन करा देंगे। मतलब यहाँ पे पानी के हम दो अणु को जोड़ देंगे। पानी के दो अणु को हमने जोड़ दिया। अब क्या होगा? जब पानी के दो अणु को जोड़ेंगे तो अगला स्टेप जो आता है वो क्या होगा? CH3COH बना लेगा, क्योंकि पानी में दो ऑक्सीजन है, पानी में दो ऑक्सीजन उपस्थित है, प्लस NH3 को बना लेगा। ये चीज़ बना और यही क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है। तो एक बार इसकी क्रियाविधि को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसे पूर्ण हुई है। तो आप कहोगे यहाँ पर कि इसकी क्रियाविधि में प्रमुख स्टेप इस प्रकार हैं। पहले फार्मिक अम्ल के दो अणु को लेंगे और उसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। तब पानी बाहर निकल जाता है और बनाता है ये आपका कैल्शियम फार्मेट। अब हम कैल्शियम फार्मेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और यौगिक बनता है आपका HCHO, मतलब फार्मेल्डिहाइड। अब फार्मेल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये एल्कोहल में, अर्थात मेथिल एल्कोहल में बदल जाती है। अब मेथिल एल्कोहल को हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो ये मेन प्रोडक्ट CH3Cl बनाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त POCl3 और HCl भी बनता है। अब हम CH3Cl को KCN के साथ क्रिया कराएंगे तो KCl बाहर चला जाता है, बनता है मेथिल साइनाइड। का हम जल अपघटन करते हैं, तब हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और अमोनिया गैस बाहर चली जाती है। इस प्रकार हमने फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल को प्राप्त किया। अब हम देखेंगे अगला रिएक्शन। अब हम इसी क्रम में अगला रिएक्शन पढ़ेंगे जो है हमारा फार्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। क्या है हमारा? फार्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। आइए हम देखते हैं फार्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो अगला रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन हमारे पास फार्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड। आइए हम देखते हैं। फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होगा HCHO। क्या होगा? HCHO। ये फार्मेल्डिहाइड है, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा देंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। ये बनेगा आपका मेथिल अल्कोहल। क्या बनाएगा? मेथिल अल्कोहल को बनाएगा। अब ये मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम
PCL 5 से करा देंगे, किससे PCL 5 से करा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये CH3Cl में बदल जाता है, साथ ही साथ POCl3 और HCl बाहर निकल जाते हैं। तो पहले स्टेप को हम अच्छी तरह से एक बार समझते हैं। आप कहोगे ये है आपका फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ अर्थात इसका अपचयन होता है, तो ये बनाता है आपका क्या मेथेनॉल, मतलब मेथिल अल्कोहल बनाएगी। अब मेथिल अल्कोहल को हम PCl5 से क्रिया कराएंगे तो ये मेन प्रोडक्ट CH3Cl मतलब मेथिल क्लोराइड को देती है। अब हम मेथिल क्लोराइड को KCN से क्रिया कराते हैं। जब इसकी क्रिया हम KCN से कराएंगे तो क्या होगा, तो ये आपको बदल के उत्पाद देगा, यहाँ से KCl बाहर चला जाएगा, KCl बाहर जाएगा माइनस KCl, अब बचेगा CH3 और CN, तो ये चीज़ हमको मिला और इसको हम मिटा के आगे बताएंगे। तो देखिए क्या मिला हमको, हमको मिला मेथिल साइनाइड। अब हम मेथिल साइनाइड को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ इसकी हम क्रिया करा देंगे। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये देगा आपको CH3CH2NH2, क्या देगा CH3CH2NH2, ये दिया। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एस्टरल्डिहाइड, इसलिए इसकी क्रिया हम किसे कराएंगे, HNO2 से, इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 से कराएंगे। जब इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा N2 गैस, साथ ही साथ क्या देगा आपको, यहाँ से N2 गैस दिया और माइनस जल देगा, तो ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे है CH3 और CH2, तो ये बदल जाएंगे CH3 और CH2 OH मतलब एल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा, अब लास्ट स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप को आप देखिए। तो आखिरी स्टेप में क्या होगा, आखिरी स्टेप में आपका ये होगा कि ये जो बना हुआ हमारे पास, इसकी क्रिया हम CH3CHO मतलब ये जो एथिल अल्कोहल है इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देंगे, इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करा देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, जल कणु बाहर चला जाएगा, जल कणु बाहर जाएगा और ये देगा CH3CHO, क्या देगा CH3CHO देगा। तो हमने देखा कि फार्मेल्डिहाइड से एस्टरल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं, एक बार इसकी क्रिया विधि को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप कहेंगे कि हम लेंगे फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड का सूत्र है HCHO और उसकी क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो ये बनाता है आपका CH3OH। अब ये CH3OH को हम PCl5 से क्रिया कराएंगे, ये बनाएगा CH3Cl। अब हम CH3Cl को KCN से, किससे पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराएंगे, ये बनाएगा आपका KCl, साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CN। अब इस CH3CN का हम नवजात हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे, नवजात हाइड्रोजन से अपचयन कराएंगे तो ये बनाएगा आपका CH3CH2NH2 अर्थात एथिल एमीन बनाएगा। अब हम एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल, अब हम एथिल एमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तब ये बनाएगा आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब हम CH3CH2OH अर्थात एथिल अल्कोहल को नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब जल का अणु बाहर चला जाएगा और ये बनाएगा CH3CHO और हमको यही चीज़ प्राप्त करना था क्योंकि हमारा प्रश्न है फार्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, तो हमने इस चीज़ को प्राप्त किया। अब हम देखेंगे अगला रिएक्शन कि अगला महत्वपूर्ण रिएक्शन कौन सा है। अब हम अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न पढ़ेंगे वह है आपका एसिटाल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड, क्या है एसिटाल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड। तो देखिए हमारा जो प्रश्न है उसे हम पहले समझते हैं। हम कहेंगे कि जो ये प्रश्न है ये है हमारा एसिटाल्डिहाइड से फार्मेल्डिहाइड को प्राप्त करना है। आइए हम देखते हैं कि एसिटाल्डिहाइड से हम फार्मेल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करते हैं। CH3CHO ये क्या है हमारा एसिटाल्डिहाइड है, CH3
CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से, नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर होगा कि जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा, जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आकर ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये बना लेगा आपका एसिटिक अम्ल। तो पहले स्टेप को एक बार हम फिर से देखते हैं, ये हमारे पास क्या है CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड है, इसको हम नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे NaOH से, इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस HOH मतलब जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा और ये CH3CONa में बदल जाएगा, CH3CONa में बदल जाता है। जब ये इसमें बदल जाएगा तब क्या होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर होगा ये फिर से NaOH से क्रिया करती है, क्या करेगी NaOH से क्रिया करती है और ये CH4 को बनाता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए CH4 और Na2CO3 बाहर चले जाएंगे, क्या होगा Na2CO3 यहाँ पे Na दो बार है, Na2CO3 बाहर चले जाएंगे, ये चीज़ हमारा बना। अब जब ये बन गया तो देखिए आगे क्या होगा कि अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो बना है CH4 उसकी क्रिया कराएंगे क्लोरीन से, ये हमारे पास Cl2 है जो CH4 बना हुआ है, इसकी क्रिया हम कराएंगे Cl2 अर्थात क्लोरीन से HNO मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में, तब ये HCl को बाहर कर देगा और बनेगा CH3Cl, क्या बनेगा CH3Cl बनेगा। अब ये CH3Cl को आप KOH से क्रिया कराओगे, KOH से क्रिया कराओगे, CH3Cl को हम KOH से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, ये KCl को बना लेगा, तो आप बताओगे माइनस के Cl, ये बन गया। अब क्या बचेगा CH3OH, क्या बचेगा CH3OH ये बचेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हमारे क्या प्राप्त हो जाए फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम करेंगे इसकी क्रिया कराएंगे किससे, नवजात ऑक्सीजन से, किससे कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से, तो यहाँ से फिर से पानी का अणु बाहर जाएगा माइनस HOH और ये बना लेगा, अब बचेगा क्या आपका HCHO, तो यही है आपका किससे एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारे पास है एसिटिक अम्ल, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया किया, एसिटिक अम्ल को बनाया, अब एसिटिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हुई तो क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया और बना लिया आपका सोडियम एसिटेट, क्या बना लिया सोडियम एसिटेट बना लिया। सोडियम एसिटेट को हम पुनः एक बार NaOH के साथ क्रिया कराई, NaOH के साथ क्रिया कराया तो बना आपका मेथेन, क्या बना मेथेन बना और सोडियम कार्बोनेट बाहर चला गया, सोडियम कार्बोनेट बाहर चला गया। अब देखिए वो यहाँ बने मेथेन को हम यहाँ पे लाए और इसको हम क्लोरीन से क्रिया करा दिए, जब इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराए तो HCl बाहर चला गया और बना लिया आपका CH3Cl। अब यहाँ पर जो CH3Cl बना उसकी क्रिया हम KOH से करा दिए, किससे KOH से करा दिया, जब KOH से करा दिया तो KCl बाहर चले गए, तो KCl यहाँ पे बाहर चला गया, बचा CH3OH, तो CH3OH हमने लिख दिया। अब इस CH3OH को हमने नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, जब इससे क्रिया कराया तो ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड और जल का अणु यहाँ पर बाहर चला गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार आए हुए हैं और ऐसे प्रश्न आता है कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आज यहीं तक, इसका शेष भाग अगले वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।